नमस्कार, वेलकम यू गाइस वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएससी पार्ट थर्ड के लिए हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट शुरू की है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ साइंटिस्ट थे आर्लैंड चैट और डेविस, उन्होंने क्या किया था, जितने भी धातु आयन हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में उनको दो वर्गों में बांटा, आवर और बावर, क्लास ए मेटल्स और क्लास बी मेटल्स। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने लिगेंडों को भी बांट दिया। उन्होंने कहा जो क्लास ए वर्ग के मेटल से रिएक्ट करेंगे वो आ वर्ग के लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है, और जो क्लास यानी क्लास बी के मेटल से रिएक्ट करेंगे वो क्लास बी के लिगेंड कहलाएंगे। इस तरह से उन्होंने धातु आयन और लिगेंडों को दो दो वर्गों में विभाजित कर दिया, जिनको आगे चलकर एक साइंटिस्ट थे पियर्सन, उन्होंने नाम दिया कठोर और मृदु का, है ना। जो अवर्ग और वावर्ग के धातु थे उनको कठोर और मृदु अम्ल कहा, और जो अवर्ग और वावर्ग के लिगेंड थे उनको क्या कहा, उनको उन्होंने कहा क्या कहा, उन्होंने कठोर और मृदु क्षार कहा। ठीक है, तो हमने देख लिए थे कि कठोर और मृदु अम्ल के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कठोर और मृदु क्षार के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कठोर व मृदु क्षार। ठीक है, क्या होते हैं कठोर व मृदु क्षार। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कठोर क्षार के बारे में, कठोर क्षार के क्या क्या लक्षण हैं। ठीक है, क्षार है, क्षार का काम क्या होता है, क्षार है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा, और अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन दाता का काम करेगा, है ना। लेकिन कैसा डोनर है, हार्ड है, तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं किसके साथ, कठोर अम्लों के साथ। किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, कठोर अम्लों के साथ। ठीक है, क्योंकि कठोर क्षार है तो सीधी सी बात है कठोर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, इसलिए इनको कठोर क्षार कहा गया है। तो कठोर अम्ल क्या होते हैं, उनके साइज छोटे होते हैं, है ना। वहाँ पर जो ग्राही परमाणु होता है उसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पर ग्राही परमाणु तो होगा नहीं, यहाँ पर कौन होता है, दाता परमाणु होता है, तो दाता परमाणु का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। तो पहला पॉइंट हम यही लिख सकते हैं, इनके दाता परमाणु का आकार छोटा होता है, यानी कि इनका जो दाता परमाणु होगा उसका आकार छोटा होगा, और छोटा होने की वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसीलिए तो उसको क्या कहा गया है, कठोर क्षार कहा गया है। तो इनके दाता परमाणु का आकार छोटा होता है। दूसरा हम देख सकते हैं आवेश के बारे में बात करें। अब क्योंकि दाता परमाणु है तो धनावेश तो नहीं हो सकता, है ना, दाता परमाणु है, देना है इसको, और देना है तो धनावेश तो नहीं हो सकता, क्योंकि धनावेश होगा तो फिर ये देगा थोड़ी ना, ये तो फिर लेगा, और ये तो दे रहा है तो धनावेश तो नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए, ऋण आवेश होना चाहिए, और ऋण आवेश भी कितना होना चाहिए, उच्च होना चाहिए या निम्न। अगर ऋण आवेश उच्च होगा यानी नेगेटिव चार्ज, इस बात समझते हो ना आप, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो साइज ऑब्वियसली क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल जो है इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है, जिससे साइज क्या हो जाता है, छोटा। जो कि ऋण आयन में तो हम इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश करा रहे हैं और पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण की वजह से ऋण आयन जो है उनका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, है ना। धन आयन का तो छोटा होता है आकार इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, जबकि जो ऋण आयन होते हैं उनका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, है ना। तो अगर ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा, यानी कि एक है -1, एक होगा -2, -3, ठीक है, -3, तो -1 का साइज दिया है तो -2 का ये होगा, -3 का साइज और भी बड़ा हो जाएगा। तो अगर ऋणात्मक आवेश ज़्यादा होगा तो फिर साइज बड़ा हो जाएगा, और साइज बड़ा हो जाएगा तो फिर वो कठोर में थोड़ी आएगा, वो किस में आएगा, मृदु में चला जाएगा, है ना। तो अगर नेगेटिव चार्ज हाई होगा तो वो मृदु में जाएगा, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कठोर की, इसका मतलब ऋणात्मक आवेश होगा तो सही लेकिन उच्च नहीं होगा, कैसा होगा, निम्न होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इनके दाता परमाणु
निम्न ऋणावेश रखते हैं। इनके दाता परमाणु पर आवेश कैसा होगा? निम्न होगा, उच्च नहीं होगा। तीसरी बात अगर हम देखें तो क्योंकि ये ऋणायन है, ठीक है, ऋणायन होते हैं तो इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर कठोर की बात कर रहे हैं तो कठोर में साइज छोटा होगा। ऋण आवेश भी निम्न है तो जब हम इनको ध्रुवित करें यानी इनकी ध्रुवणता की बात करें तो ये बहुत मुश्किल से ध्रुवित होंगे क्योंकि इनका साइज छोटा है, और साइज छोटा होगा तो नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा होगा, तो जो दूसरा धनायन होगा वो इनके इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, यानी इनको ज्यादा ध्रुवित नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी ध्रुवण शक्ति क्या होती है? कम होती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये कठिनाई से ध्रुवित होते हैं। इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं? ये कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, इनका ध्रुवण आसान नहीं है क्योंकि इनका जो साइज है वो छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी सी मुश्किल आती है, यानी थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल साइज छोटा होगा तो नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता देखें तो ये क्या होते हैं? ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। ये ऐसे मेटल्स सॉरी ऐसे धातु आयन होंगे, सॉरी धातु आयन बोल रही हूँ, ये ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे तत्व होंगे जिनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगी, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये जो तत्व हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? उच्च है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कठोर कहा जाता है। यानी कि अगर ऐसा लिगेंड है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन में से कोई भी परमाणु उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगा? कठोर क्षार कहलाएगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं? इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। इनका साइज देखा जाए इनके वर्ग में तो सबसे छोटा होता है, इन पर चार्ज भी कम होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? कठोर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन युक्त कोई भी लिगेंड मौजूद है तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? कठोर की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट अगर हम देखें, चार हो गए, पांचवा पॉइंट देखें अगर हम, क्या बता सकते हैं हम इनके बारे में? और कह सकते हैं कि ये अत्यधिक क्रियाशील अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। वो भी कैसे? अत्यधिक क्रियाशील नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कठोर क्षार के अंदर पाई जाती हैं। इनको देखकर हम, इनके आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा कठोर क्षार होगा, कौन सा हमारा मृदु क्षार होगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर देखते हैं मृदु क्षार के लक्षण। आगे चलते हैं, ये तो कठोर क्षार थे, अब हम किसकी बात करेंगे? मृदु क्षारों की। किसके लक्षणों की बात करेंगे? मृदु क्षार के लक्षण की बात करेंगे। ठीक है, और मृदु क्षार के लक्षण होंगे तो कठोर क्षार के जस्ट क्या होंगे? अपोजिट ही तो होंगे, उल्टे ही तो होंगे। अपोजिट में क्या होगा? यानी कि अगर इनके दाता परमाणु का आकार छोटा होता है तो जो मृदु होंगे, मृदु का कैसा होगा? बड़ा। कैसा होगा? बड़ा। यानी इनके दाता परमाणु क्या होंगे? बड़े साइज के होते हैं, और बड़े साइज के होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं, और आसानी से देंगे तो किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? मृदु की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, अगर इनके दाता परमाणु की बात करें तो जो कठोर थे उन पर तो निम्न ऋणावेश होता है, लेकिन इन पर कैसा होगा? उच्च। इनका ऋणावेश कैसा होगा? उच्च ऋणावेश होगा, यानी नेगेटिव चार्ज बहुत हाई होगा तभी तो साइज बड़ा होगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, साइज उतना ज्यादा, जितना ज्यादा साइज उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, और अगर नाभिक का आकर्षण बल कम होगा तो ये क्या हो जाएंगे? ये बहुत आसानी से, नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पर कम है तो इनको ध्रुवित करना बहुत आसान है, तो ये क्या होंगे? ये आसानी से ध्रुवित होते हैं, इनको ध्रुवित करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर इनकी विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए, अगर बहुत ज्यादा होगी विद्युत ऋणात्मकता तो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, फिर तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे ये, और इनका तो काम है इलेक्ट्रॉन आसानी से देना, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? निम्न।
निम्न की जगह ऐसे लिखे हो, ये कम क्या होते हैं, कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ये अत्यधिक क्रियाशील अधातु होते हैं और ये क्या होंगे, ये अत्यधिक क्रियाशील ये अत्यधिक क्रियाशील अधातु नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं इतने ज्यादा क्रियाशील, ठीक है, इनके अंदर इतनी ज्यादा क्रियाशीलता नहीं पाई जाती है। तो ये क्या है, मृदु क्षार के लक्षण, जस्ट अपोजिट है किसके, कठोर क्षार के। तो हमने पिछले लेक्चर में कठोर और मृदु अम्ल देखे, तो उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, और अब हम क्या देख रहे हैं, कठोर और मृदु क्षार देख रहे हैं। तो इस आधार पर हम अलग अलग धातु आयनों को और अलग अलग लिगेंडों को क्लासीफाई कर सकते हैं, किसमें, कठोर और मृदु में, ठीक है। कठोर और मृदु के अलावा एक और कैटेगरी होती है अम्ल और क्षारों की, जिनको बोलते हैं सीमावर्ती या सीमा रेखा अम्ल क्षार। क्या बोलते हैं, सीमावर्ती या सीमा रेखा अम्ल क्षार, बॉर्डर लाइन एसिड्स और बेसिस। अब ये क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन क्या होते हैं भाई, एक तरफ अगर हम रख लें कठोर, ठीक है, और एक तरफ रख लें मृदु, तो इनके बीच में जो रह जाते हैं, जो बॉर्डर लाइन पर रह जाते हैं, जो ना तो कठोर की श्रेणी में आते हैं ना मृदु की श्रेणी में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सीमा रेखा अम्ल और क्षार। तो हम कह सकते हैं कि वे अम्ल और क्षार जिनके लक्षण क्या होते हैं, कठोर और मृदु अम्ल क्षार के मध्यवर्ती होते हैं, मीडिएटर होते हैं, यानी बॉर्डर लाइन पर होते हैं, उनको हम कहा जाता है कि उनको क्या कहते हैं, सीमावर्ती या सीमा रेखा अम्ल क्षार कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, कैटेगरी और भी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कैटेगरी और बढ़ा सकते हैं कि वे अम्ल एवं क्षार, वे अम्ल एवं क्षारक, या क्षार लिखो, वे अम्ल एवं क्षार जिनके गुण कठोर व मृदु अम्ल क्षारकों के, कठोर व मृदु अम्ल क्षारकों के मध्यवर्ती होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सीमावर्ती या सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन अम्ल क्षार कहते हैं। तो ये होते हैं सीमावर्ती अम्ल क्षार, ठीक है, बॉर्डर लाइन, क्या जिनके गुण क्या होंगे, कठोर और मृदु के मध्यवर्ती होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड और बेस कहते हैं। यानी कि जो धातु क्या कहेंगे, ना तो कठोर की श्रेणी में आते हैं ना मृदु की श्रेणी में आते हैं, जिनमें दोनों के करेक्टर्स होते हैं, कठोर के भी मृदु के भी, तो उनको कहा जाता है सीमा रेखा अम्ल। और जिनके ऐसे क्षार जिनके लक्षण कठोर और मृदु के मध्यवर्ती होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सीमा रेखा क्षार, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन कौन से मेटल्स होंगे जिनको हम कठोर में रखेंगे, किसको मृदु में रखेंगे और किसको बॉर्डर लाइन में रखेंगे। लिख लिया, चलते हैं आगे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हम ये टेबल बना लेते हैं, एक तरफ डाल लेते हैं कठोर अम्ल, ठीक है, यहां पर देखेंगे कौन कौन से मेटल्स आएंगे कठोर अम्ल में, इधर डाल लेते हैं कठोर अम्ल, मृदु अम्ल, कौन से धातु है मृदु अम्ल में आएंगे, और एक डाल लेते हैं सीमा रेखा अम्ल, बॉर्डर लाइन मेटल्स, ठीक है। आप देखते हैं कौन कौन से मेटल्स आते हैं जो कठोर में आते हैं, तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आ वर्ग में कौन कौन से धातु आने आते थे, जो क्षार धातु हैं और क्षारीय मृदा धातु हैं, यानी जितने भी क्षार धातु होंगे और क्षारीय मृदा धातु होंगे वो सब किस में आएंगे, कठोर के अंदर आएंगे। तो क्षार धातु में कौन कौन आता है, H+ आता है,
याद रखना H प्लस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि धातु जो होते हैं वो मेटल की फॉर्म में नहीं रहते, आयन की फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, तो ये क्या होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, यानी इनको बोलते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज में रहेंगे। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तभी तो ये अम्ल कहलाएंगे। तो कौन कौन आएगा, एच प्लस, एल आई प्लस, के प्लस, एन ए प्लस, इसके अलावा बी ई टू प्लस, एम जी टू प्लस, सी ए टू प्लस, एस आर टू प्लस, है ना, ए जी टू प्लस, ए एल थ्री प्लस, स्कैंडियम थ्री प्लस, गैलियम थ्री प्लस, इंडियम थ्री प्लस। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जितना ज्यादा उच्च धनावेश होगा, याद कीजिए कठोर अम्लों में हमने क्या लिखा था, उच्च धनात्मक आवेश होना चाहिए, तो जितना ज्यादा उच्च आवेश होगा धनात्मक, उसकी कठोरता उतनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगा, वो कठोर होगा, इसलिए जितने भी हाई चार्ज रहेंगे प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, वो सब किसके अंदर आएंगे, कठोर अम्लों के अंतर्गत आएंगे, किसके अंदर आएंगे, कठोर अम्लों के अंतर्गत आएंगे, जैसे एल ए थ्री प्लस, एन थ्री प्लस, सी एल थ्री प्लस, सी ओ थ्री प्लस, एफ ई थ्री प्लस, ए एस थ्री प्लस, एस आई फोर प्लस, फोर प्लस आ गया, अब फोर प्लस तो रहेंगे ही कठोर, क्योंकि धनात्मक आवेश बढ़ गया, जिरकोनियम प्लस फोर, इसके अलावा यू ओ टू टू प्लस, ये प्लस सिक्स ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, ए एल सी एल थ्री, एफ ई प्लस सिक्स, पी टी प्लस सिक्स, ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, आयरन नॉर्मली प्लस सिक्स में नहीं होता, बहुत रेयर केस में देखी जाती है, लेकिन अगर होगा भी तो उच्च धनात्मक आवेश होने की वजह से, और प्लेटिनम भी नॉर्मली प्लस सिक्स नहीं बनाता, लेकिन अगर रेयर केस में बनती भी है तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, हार्ड के अंतर्गत आएंगे, कठोर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो मृदु में कौन कौन आएंगे, मृदु की बात है तो वही आएंगे जिनका साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा कब होगा, जब उन पर धनात्मक आवेश क्या होगा, कम होगा, और जो भारी क्या होंगे, भारी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आएंगे, किसके, भारी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में, जैसे कि है हमारे पास एजी प्लस वन, एजी प्लस वन है, ठीक है, एजी प्लस वन है, एयू प्लस वन है, टीएल प्लस वन है, टेलुरियम प्लस वन, ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से मेटल्स हैं, एचजी प्लस वन, सीएस प्लस वन, मरकरी प्लस वन में, सीएस प्लस वन में, सीजियम प्लस वन में, और कौन कौन होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, कोबाल्ट, कोबाल्ट प्लस टू में, ठीक है, कोबाल्ट कैसा है, सीमावर्ती है, कब होगा, प्लस टू में जब होगा तभी कैसा रहता है, सीमावर्ती है, निम्न आवेश है, पीटी फोर, टीएल थ्री प्लस, ठीक है, कौन आएगा, टीएल थ्री प्लस, याद रखना टीएल थ्री प्लस, टीएल थ्री प्लस को हमने इसके अंदर नहीं रखा है, जबकि प्लस थ्री तो चार्ज बहुत ज्यादा होता है ना, तो ये तो कठोर के अंदर आना चाहिए, लेकिन टीएल प्लस थ्री को हमने इसके अंदर नहीं रखा, क्योंकि टेलुरियम सबसे नीचे आता है और इसका साइज सबसे बड़ा होता है, साइज सबसे बड़ा होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व जो है वो कम हो जाता है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, मृदु अम्लों में रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा आर एस ई प्लस आदि, ई टी सी, यहाँ पर भी लिखते हैं ई टी सी, बहुत सारे धातु ऐसे ही जो इस श्रेणी में आते हैं, है ना, जैसे अगर हम और लिखें, जैसे हमारा बी एच थ्री है, ठीक है, जी ई एच थ्री है, ई टी सी, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं, मृदु अम्ल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, मृदु अम्ल है। सीमा रेखा में कौन आएंगे, जिनके गुण इन दोनों के क्या होंगे, मध्यवर्ती होंगे, जिनके गुण क्या होंगे, इन दोनों के मध्यवर्ती होंगे, वो आएंगे, जैसे कि कौन कौन है, जैसे कि आपको याद भी रह जाएंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, अरे बोला भी था ये सीमावर्ती है फिर भी इसमें लिख दिया, प्लस थ्री में जब होगा किस में आएगा, मृदु में आएगा, बी प्लस वन में तो कभी कोबाल्ट जाते ही नहीं है, कोबाल्ट प्लस वन में तो रहेगा ही नहीं, इसलिए या तो प्लस थ्री होगा या प्लस टू, प्लस टू में होगा तो सीमावर्ती में जाएगा, प्लस थ्री में होता है तो ये क्या रहेगा, मृदु, क्षार, ये कट उसमें नहीं जाएगा, कठोर की श्रेणी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो एफी टू प्लस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर टू प्लस, जिंक टू प्लस, ठीक है, ये सभी क्या है, सीमा रेखा है, क्या है, सीमा रेखा अम्ल है। इसके अलावा अगर हम देखें पीवी टू प्लस, एस एन टू प्लस, पीवी टू प्लस, प्लम्बम टू प्लस, एस एन टू प्लस, इसके अलावा आई आर थ्री प्लस, आर एच थ्री प्लस,
Ru 3 प्लस ETC आदि, ठीक है। ये सभी क्या आते हैं, सीमा रेखा है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कब तक हम सबको याद भी नहीं कर सकते, लिख भी नहीं सकते, लेकिन कुछ तो एग्जांपल्स ऐसे हों जो आपको याद हों। तो ये हैं, अब लो जो ये कुछ धातु आयन्स हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है, किसमें, कठोर अम्ल, मृदु अम्ल और सीमा रेखा अम्ल में। जिस तरह से इनको क्लासिफाई किया है वैसे ही हम क्षारों को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। क्षारों को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो थे अम्ल, अब हम क्षारों को क्लासिफाई कर लें। कौन कौन से क्षार आएंगे, एक तो हम देखेंगे कठोर क्षार, एक होंगे हमारे पास मृदु क्षार और एक होंगे सीमावर्ती क्षार, बॉर्डरलाइन बेसिस, ठीक है। अब देख लेते हैं, कठोर क्षार जैसा कि बताया जिनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो, यानी कि इसके अंदर ऐसे लिगेंड आएंगे जिनमें कोई प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु उपस्थित हो, जैसे कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन। तो जितने भी लिगेंड हैं जिनमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन उपस्थित होता है वो किसकी श्रेणी में आते हैं, कठोर की श्रेणी में आते हैं। जैसे एग्जांपल है H2O, H2O में ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन कैसा है, विद्युत ऋणात्मक है, तो ये कैसा हो जाएगा, कठोर। NH3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैसा है, प्रबल विद्युत ऋणात्मक, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। इसके अलावा ROH एल्कोहल, इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है इसलिए कठोर है। R2O ईथर, ये भी क्या है, ऑक्सीजन आ रहा है तो कठोर हो जाएंगे। RO- OH- PO43- और SO42- CO32- NR3 NHR2, ठीक है, टर्शियरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और F- Tr- ETC, ये सभी किसमें आएंगे, कठोर क्षार की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो दाता परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैसा है, कठोर है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। और अगर अपने वर्ग में इनकी कंपैरिजन की जाए तो ये सबसे छोटे साइज के होते हैं, तो इनका साइज भी छोटा है, इनके दाता परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा है, तो ये किसकी श्रेणी में आते हैं, कठोर क्षार की श्रेणी में आते हैं। मृदु में कौन आएंगे, मृदु में वो आएंगे जिनमें दाता परमाणु ऐसा होगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, जैसे सल्फर है ना, सल्फर, ऑक्सीजन की जगह अगर मैं क्या लगा दूं, सल्फर लगा दूं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, मृदु हो जाएंगे, जैसे RSH, RS-, ठीक है, RSH, RS-, S2-, इसके अलावा R3P, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन से नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी क्या है, एक मृदु क्षार है, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फॉस्फोरस के नीचे आता है आर्सेनिक, तो R3As भी हो सकता है इसके अंदर, मृदु के अंतर्गत, ठीक है, फॉस्फोरस आर्सेनिक के लिगेंड। और इसके अलावा C2O42-, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट जो है वो कठोर की श्रेणी में नहीं आता, याद रखिएगा, किसकी श्रेणी में आता है, मृदु की श्रेणी में आता है। तो ये C2O42-, ये क्या है, ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट है, अरे सॉरी, ये किसकी श्रेणी में आएगा, ऑक्सलेट, C2O42-, किसकी श्रेणी में आएगा, कठोर की श्रेणी में, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है ना। तो यहाँ पर कौन आएगा, थायोसल्फेट, S2O3, साइओक्सलेट, RO का होल थ्राइस पी, ये भी आ सकते हैं। इसके अलावा C2H4, C6H6, CH3ETC, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत, ये सभी आते हैं मृदु के अंतर्गत, यानी कि इनके जो दाता परमाणु ऐसे हैं जो कि विद्युत ऋणात्मकता कम है, और विद्युत ऋणात्मकता कम है और इनके वर्ग में कंपैरिजन की जाए तो जो कठोर थे यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन थे उनकी कंपैरिजन में इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और इनका साइज बड़ा होगा, इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो ये कैसे कहलाएंगे, ये मृदु क्षार कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं, मृदु क्षार। अब बचे हुए सीमावर्ती, सीमावर्ती में कौन कौन आता है भाई, सीमावर्ती में आता है पिरिडीन, पिरिडीन यानी कि C5H5N, पिरिडीन, पिरिडीन में भले ही नाइट्रोजन मौजूद है लेकिन ये कठोर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग बन रही है। आप थर्ड ईयर में आ गए ना, पढ़ोगे जब आप हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक के अंदर, वहाँ पढ़ोगे कि ये जो है तो सही क्षार लेकिन एक बहुत मृदु क्षार होता है, बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होता, ठीक है।
पिरिडीन है, C6H5NH2 है, जब बेंजीन की रिंग पर क्या लगाओ, NH2 ग्रुप लगाओ, तो ये भी क्या होता है, मृदु होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या रहते हैं, रिंग के अंदर डिलोकलाइज रहते हैं, रिंग के अंदर कंजुगेशन होते हैं, और रिंग के अंदर कंजुगेशन में होंगे तो आसानी से डोनेट नहीं हो सकते, है ना। तो ये भी किसमें आता है, सीमावर्ती क्षार की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा I माइनस जब अपने ग्रुप में सबसे नीचे पहुंच जाएंगे, इसका साइज क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है, और सबसे बड़ा हो गया तो फिर ये ना तो कठोर में आ सकता है ना मृदु में आ सकता है, किसमें चला जाता है, सीमावर्ती में चला जाता है। ऐसे Br- ये भी क्या होता है, सीमावर्ती होता है, ठीक है, यानी कठोर और मृदु के मध्यवर्ती, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब सीमावर्ती में आते हैं। सॉरी, I- जो है, I- जो है वो मृदु की श्रेणी में आता है। कठोर में कौन हो गया, फ्लोरीन, और आयोडीन क्या हो गया, मृदु की श्रेणी में, और इनके बीच में जो कुछ भी बचा, क्लोरीन और ब्रोमीन, वो क्या कहलाएंगे, वो सीमावर्ती। हालांकि क्लोरीन को हम हार्ड में ही रखते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के जस्ट बाद आता है, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, जिसका असर क्लोरीन पर भी पड़ता है, इसलिए हम क्लोरीन को है तो सीमावर्ती में आना चाहिए, कायदे से तो सीमावर्ती में आना चाहिए, लेकिन उसको हम किस में रखते हैं, कठोर में ही रखते हैं, क्योंकि उसकी भी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की वजह से क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। तो बचा कौन, Br-, तो Br- क्या हो गया, सीमावर्ती हो गया, ठीक है। Br- रहा, NO2- है, नाइट्रोजन है, ETC, ये सभी क्या कहलाते हैं, सीमावर्ती क्षार कहलाते हैं। तो नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे हम देखते हैं HSAB सिद्धांत, जो कि इम्पोर्टेंट है, और यही इकलौता सिद्धांत है जो इस पूरे चैप्टर में है, क्योंकि हम HSAB तो पढ़ रहे हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस पढ़ रहे हैं, तो अब HSAB सिद्धांत पढ़ लेते हैं, वही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। याद तो आपको नहीं करनी है, रटने नहीं है, बट एक नजर मार लेना, नजर में रखना, ताकि आप देखते पहचान सको कौन कठोर होगा कौन मृदु होगा, और अगर नजर में ही नहीं रखने तो फिर लक्षण तो आपको याद रखनी पड़ेंगे, उनको उनके आधार पर आप पहचान करोगे। फिर अगला जो सिद्धांत है वो है कठोर व मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत, शॉर्ट फॉर्म में HSAB थ्योरी बोलते हैं इसे, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी, HSAB सिद्धांत, और बहुत छोटा सा सिद्धांत है, इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ याद करने लायक नहीं है, छोटा सा सिद्धांत है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है। ये किसने दिया था, ये साइंटिस्ट थे पियर्सन, उन्होंने दिया था, क्योंकि कठोर और मृदु शब्द का प्रयोग किसने किया था, पियर्सन ने किया था, तो ऑब्वियसली बात है ये सिद्धांत भी किसने दिया होगा, पियर्सन ने दिया होगा, तो हम ये लिख सकते हैं, यह सिद्धांत 1964 में किसने दिया था, पियर्सन ने दिया था, साइंटिस्ट थे पियर्सन, उन्होंने दिया था, ठीक है। किस आधार पर दिया था, उन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी की, ठीक है, उनके आधार पर कुछ अप्रोक्सीमेशंस निकाले। अप्रोक्सीमेशंस मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये केवल क्या है, ये केवल एक स्टडी के आधार पर दिया गया सिद्धांत है, कि उन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस देखे और देखा कि कुछ अलग ही किस्म की चीज़ें हो रही हैं, और उनको उन्होंने एक सिद्धांत बनाकर पेश कर दिया, ठीक है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रिसर्च करके ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक क्या था, ये कह सकते हो आप एक समरी थी, जो उन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस को स्टडी करने के बाद दी थी, ठीक है। तो हम आगे लिख सकते हैं, यह सिद्धांत 1964 में किसने दिया था, पियर्सन ने दिया था। और ये जो सिद्धांत है ये क्या करता है, नेचर के अंदर हमारी प्रकृति में जितने भी धातु हैं वो क्यों पाए जाते हैं और किस फॉर्म में पाए जाते हैं उनकी व्याख्या करता है। जैसे जैसे लिथियम, जैसे फर्स्ट एवर सेकेंड एवर की धातु है वो ऑक्साइड के रूप में ही क्यों निकलती हैं, कुछ हैं कुछ धातु ऐसी होती हैं जो सल्फाइड के रूप में प्राप्त होती हैं, पता है ना, भूमि से प्राप्त होती हैं और कभी भी मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होती हैं, धातु किसके बाइंड स्टेट में होती है, किसी ना किसी के साथ संकुल बना लेती है, अयस्क बना लेती हैं, तो कुछ तो ऑक्साइड के रूप में होते हैं कुछ सल्फाइड के रूप में होते हैं, उनकी व्याख्या इस सिद्धांत से बहुत अच्छे से हो जाती है कि क्यों कुछ धातु ऑक्साइड के रूप में मिलती है, क्यों कुछ धातु हमेशा सल्फाइड के रूप में मिलती है, वो इनके द्वारा बहुत अच्छे से हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि
यह सिद्धांत प्रकृति में प्रत्येक धातु के एक निश्चित रूप में एक निश्चित रूप में पाए जाने की व्याख्या आसानी से करता है। यानी इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि क्यों ये मेटल ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ, हम देखेंगे जब एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, यह सिद्धांत 1964 में पियर्सन ने दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है ये सिद्धांत, हम ये लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कठोर अंग है तो वो हमेशा कठोर क्षार के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। अगर कठोर क्षार के साथ बनाएगा तो स्थायी होगा, और अगर मृदु क्षार के साथ बना लेगा तो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसका मतलब कठोर कठोर के साथ और मृदु मृदु के साथ रिएक्ट करता है तभी स्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा। और इनकी टेंडेंसी हमेशा यही रहती है कि कठोर रिएक्ट करे कठोर के साथ, मृदु रिएक्ट करे किसके साथ, मृदु के साथ। तो हम लिख सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षार कौन से तथा मृदु क्षार कौन से क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इतना सा है ये सिद्धांत HSCB कि कठोर हमेशा कठोर के साथ रिएक्ट करना चाहता है, मृदु हमेशा मृदु के साथ रिएक्ट करना चाहता है। ऐसा क्यों भाई, ये तो इंसानों के अंदर भी प्रवृत्ति है ना भाई। अब तुम ही देख लो, तुम लोग स्टूडेंट्स हो, है ना, क्लास में अगर कोई एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो जो दूसरा, मान लो कोई दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना और एक बेवकूफ स्टूडेंट है, तो मैं अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट को बेवकूफ स्टूडेंट के साथ बिठा दूं, बिल्कुल बेवकूफ स्टूडेंट के साथ, तो पक जाएगा, है ना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या देखेगा कि मुझे भी कोई दूसरा इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिले जिसके साथ मैं अच्छे से डिस्कस कर सकूं, पढ़ सकूं, है ना। तो वो हमेशा किसके पास बैठना पसंद करेगा, इंटेलिजेंट के पास। और जो बेवकूफ है वो हमेशा किसके पास बैठना पसंद करेगा, अब वो इंटेलिजेंट के पास बैठ जाएगा, इंटेलिजेंट अपनी इंटेलिजेंट वाली बातें करेगा, तो वो तो बेचारा पक जाएगा, है ना। तो वो हमेशा क्या चाहेगा कि मैं अपने जैसे लोगों के पास बैठूं, मृदु के पास बैठूं, है ना। तो जब इंसानों में टेंडेंसी है ऐसी, आपके अंदर है ऐसी टेंडेंसी, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं होगी, नेचर में क्यों नहीं होगी। तो नेचर में भी पाया जाता है कि कठोर कठोर के साथ रिएक्ट करता है तब स्टेबल होगा, मृदु मृदु के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सॉरी लाइट चली गई, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, वेट कीजिएगा फॉर द डिस्टर्बेंस। बीच में लाइट चली गई थी, तो कहाँ पर थे हम, HSCB सिद्धांत पढ़ रहे थे हम। तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, कठोर अम्ल कठोर क्षारकों से तथा मृदु अम्ल मृदु क्षारकों से क्रिया करने की प्रवृत्ति रखता है, है ना। कठोर हमेशा किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा, कठोर के साथ, और क्षार हमेशा क्षार के साथ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कठोर अम्ल प्लस कठोर क्षार से जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा, स्थायी होगा, है ना। कठोर कठोर की क्रिया स्थायी, लेकिन अगर ऐसा हो, सॉरी, मृदु अम्ल की रिएक्शन कराएं हम मृदु क्षार के साथ, तो ये भी क्या होगा, स्थाई होगा। दोनों ही स्थाई हैं, कठोर कठोर के साथ रिएक्ट करेगा तो भी कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, यौगिक जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, तो बॉन्ड अच्छा बनाएंगे, बॉन्ड अच्छा शेयर करेंगे। तो मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बनाएंगे वो भी स्थाई होगा, क्योंकि इनकी नेचर दोनों की सेम है, तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छी बनेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि मृदु अम्ल हो और इसकी रिएक्शन हम कराएं किससे, कठोर क्षार से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अस्थाई, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं बनेगा। अगर कठोर अम्ल है इसकी रिएक्शन हम मृदु क्षार से करा रहे हैं, तो ये भी कैसा बनेगा, अस्थाई बनेगा, ये भी स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्शन कौन से स्टेबल होंगे, जहाँ पर कठोर कठोर के साथ रिएक्ट कर रहा है, जहाँ पर मृदु मृदु के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसे ही यौगिक केवल स्थाई होंगे। तो नोट कीजिए जल्दी से, फिर कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, नोट कीजिए, मिटाते हैं इसे, फिर आगे एग्जांपल्स लिखते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ने हमारे पास Hg2+ है, ठीक है। Hg2+ क्या है? Hg2+ एक मृदु क्षार है, सॉरी मृदु अम्ल है। Hg2+ एक क्या है? एक मृदु अम्ल है। और अगर ये मृदु अम्ल है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? मृदु क्षार के साथ, है ना। इसलिए यह प्रकृति में HgS के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है क्योंकि S2- एक क्या है? एक मृदु क्षार है। यानी कि जितने भी हैवी क्या कहते हैं, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में भारी और हल्के जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो सभी क्या होते हैं? मृदु की श्रेणी में आते हैं। और मृदु की श्रेणी में है तो जब इनको नेचुरली जब निकलते हैं, ये पृथ्वी से जो निकलते हैं, तो वह मरकरी हमेशा सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? सल्फाइड के रूप में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मरकरी खुद कैसा है? मृदु अम्ल है। और मृदु अम्ल है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? मृदु क्षार के साथ रिएक्ट करेगा। इसीलिए ये Hg जो है, जो Hg2+ है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है? S2- के साथ। और क्या बनाता है? HgS। ये कैसा होता है? स्थाई। और इसीलिए प्रकृति में इसी रूप में पाया जाता है। अगर ये रिएक्ट करे किसके साथ? O2- के साथ अगर रिएक्ट कराऊं तो ये तो कैसा है? मृदु है। लेकिन ये कैसा है? कठोर है। ये कठोर क्षार है और ये तो मृदु अम्ल है। तो कठोर और मृदु की रिएक्शन से बन तो जाएगा HgO, लेकिन ये कैसा बनेगा? अस्थायी बनेगा। यानी कि इसीलिए मरकरी प्रकृति में कभी भी HgO के रूप में नहीं मिलता। किसके रूप में मिलता है? सल्फाइड के रूप में मिलता है। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन किसकी होती है? सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट है और ये भी क्या है? सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट की रिएक्शन स्टेबल प्रोडक्ट बनता है और हार्ड की रिएक्शन से स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड की रिएक्शन से कभी भी स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और एग्जांपल देखें, बात करें हम किसकी, जो हमारे क्षार धातु हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम है, ठीक है। ये सभी किसके रूप में पाए जाते हैं? लिथियम सोडियम पोटेशियम आदि क्या हैं? आदि कठोर अम्ल हैं। इसलिए ये कठोर क्षार, क्योंकि क्या है? O2- के साथ अभिक्रिया कर स्थाई यौगिक बनाते हैं, यानी कि लिथियम ले लिया, लिथियम प्लस, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई हमने किसके साथ? O2- के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। O2- के साथ रिएक्शन कराई, छोड़ो O2- छोड़ो, इसकी जगह हम OH ले लेते हैं, OH-। ये भी तो क्या है? कठोर क्षार है ना। OH- भी क्या है? कठोर क्षार। तो जब हम इसकी रिएक्शन OH- के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, LiOH। और ये कैसा होता है? स्थाई होता है। कैसा होता है? स्थाई होता है। जबकि अगर मैं इसकी रिएक्शन SH- से कराऊंगी, यानी Li+ की रिएक्शन किससे कराऊंगी? SH-, ठीक है। O की जगह कौन आ गया? सल्फर। और ये कैसा है? ये तो होता है कठोर और ये कैसा है? मृदु है, है ना। एक कठोर है और एक मृदु है। तो रिएक्शन हो जाएगी, LiSH बन तो जाएगा, लेकिन ये कैसा बनेगा? अस्थाई बनेगा। तो इतना सा ही है पियर्सन का HACB का सिद्धांत, कि कठोर हमेशा कठोर के साथ स्थाई प्रोडक्ट बनाते हैं और मृदु हमेशा मृदु के साथ किसका निर्माण करते हैं? स्थाई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। रिएक्शन जितनी भी नेचर में रिएक्शन है, और भी बहुत सारी रिएक्शन है, और भी बहुत सारे यौगिक हैं जिनको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे HACB के आधार पर, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है HACB, ठीक है। और HACB छोटा सा सिद्धांत है, बाकी तो इसकी एप्लीकेशन है कि ये कहाँ कहाँ पर लगेगा, हम HACB के आधार पर हम किस किस चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम सहजीविता सिम्बायोसिस भी पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। नोट कीजिए जल्दी से।